जय हिंद जय भारत। दोस्तों, गाड़ी कैसे ट्रांसफर की जाती है ये तो आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, ये तो समझ में आ भी गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम गाड़ी की एनओसी ले लेते हैं अदर स्टेट के लिए, वहां पे व्हीकल कैसे ट्रांसफर होगा? वहां पे ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन करना पड़ेगा? कौन कौन से फॉर्म लगेंगे? हमें एजेंट पकड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या काम होगा? टैक्स कितना लगेगा? आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, ताकि आपको परेशानी कम से कम हो जब आप अदर स्टेट जाके व्हीकल ट्रांसफर कराते हो। तो समय को ना बर्बाद करते हुए फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एनओसी दिल्ली में अप्लाई करनी पड़ती है, और एनओसी के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लेना कि दिल्ली के अंदर एनओसी कैसे अप्लाई की जाती है। जैसे ही आपको एनओसी मिल जाती है, अब बात आती है व्हीकल ट्रांसफर की अदर स्टेट के लिए। एनओसी में दो ऑप्शन होते हैं जब आप इशू कराते हो। मैंने गाड़ी किसी को बेच दी है, एक तब एनओसी निकालते हैं और एक तब निकालते हैं कि मैंने अपना घर चेंज कर लिया, दिल्ली से राजस्थान शिफ्ट हो गया हूँ। दो हो गए, दोनों के दोनों ये ऑप्शन है। एक है चेंज ऑफ एड्रेस, एक होता है मैंने किसी को गाड़ी बेच दी है। अब आपने जब बेच दी है किसी को, तो उसके साथ आपको क्या करना है, एनओसी के साथ साथ 2930 बुकलेट भी मिल जाती है, ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। वो फॉर्म खाली होता है, उसे भरना होता है। पहला हो गया एनओसी, दूसरा हो गया 2930, दो दो फॉर्म। ये करने के बाद इंश्योरेंस की कॉपी, पॉल्यूशन की कॉपी, ओरिजिनल आरसी, और वहां जाके आपको एक 20 नंबर फॉर्म और भर सकते हो, वो जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जब आप आरटीओ में विजिट करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना पब्लिक को ट्राई ना करें, क्योंकि मेरे पास एक भाई साहब का कॉल आया था, वो एनओसी लेने के बाद खुद ही करे जा रहे थे, तो काफी परेशान होने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया, तब जाके मैंने समझाया, तो आई होप उनका काम हो गया होगा। अदर स्टेट जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो दिल्ली से रिकॉर्ड उसका खत्म हो जाता है, सिर्फ ये दिखाया जाएगा इस स्टेट के लिए कि एनओसी इशू हो चुकी है। अब जब वहां स्टेट में आप जाके जब कराओगे, तो उसके लिए उसकी मैनुअल डिटेल अपडेट होती है, तब जाके उनके डाटाबेसिस पे वो दिखता है। तो इसीलिए आप खुद बिल्कुल भी ट्राई ना करें, आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। जब आरटीओ डिटेल अपडेट करते हैं, तो एक वो डिस्क्लेमर निकालते हैं, जो रिकॉर्ड निकालते हैं कि जी हमने आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड करी है, आप इसमें डिटेल चेक कर लो, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, इंजन नंबर, चेसी नंबर, ये सब आप अच्छे से देखना, उसके बाद ही साइन करना, क्योंकि जब साइन आप कर देते हो तो आरटीओ की रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाती है। डिस्क्लेमर जैसे वो आपको देगा, तो उसमें आपको टैक्स भी दिखा देगा कि आपका टैक्स कितना बनेगा। कुछ रिबेट भी मिलते हैं ऑटोमेटिकली, तो कई जगह इंश्योरेंस की वैल्यू पे लेते हैं, कई जगह गाड़ी की वैल्यू डिसाइड की जाती है। हर स्टेट का अपना अलग अलग है व्हीकल टैक्स को लेने का। तो इसलिए दोस्तों, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अदर स्टेट कैसे गाड़ी ट्रांसफर करानी है उसके लिए वीडियो अच्छे से देखना, ताकि आप वहां जब जाओ तो आप इजिली काम करा सको, और ये काम आप विदाउट एजेंट भी करा सकते हो, सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज होगी तो एटलीस्ट कम से कम आपका 4 से 5 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये बच जाएगा, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होती उसे लोग कितना भी काट देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बाद में पता चलता है तो उसका पोपट बन चुका होता है भैया जी। तो पोपट मत बनने देना, और अपना ख्याल रखना, ध्यान से अपना काम करना, डिटेल चेक करना, क्योंकि एक बार डिटेल जो उसमें डल जाती है तो डल जाती है। ठीक कराने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटते चप्पल खत्म हो जाएगी साले, लेकिन चक्कर खत्म नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं भैया, डिटेल अपनी सावधानी से भरना और देखना, और तब जाके साइन करना, और वीडियो दूसरे को रेफर भी करना, ताकि वो भी अपनी गाड़ी अच्छे से ट्रांसफर करा सके। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरा वीडियो लगे अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी जय हिंद जय भारत।